क्या आपने सुना है कि आपके बाल ऑयलिंग करने से स्ट्रेट हो सकते हैं? नहीं, आपके बाल परमानेंट स्ट्रेट हो सकते हैं सिर्फ ऑयलिंग करने से? नहीं सुना है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ही मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपके बाल सिर्फ 2 से 3 बार ऑयलिंग करने से स्ट्रेट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और बाल झड़ना एकदम बंद हो जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन स्प्रे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब का रीजन ढूंढना है तो सबसे सरल और सिंपल वीडियो जो कि रिजल्टफुल भी होती है तो जाके चैनल पे चेकआउट करो और फटाफट से आके सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक दिन होममेड ऑयल बनाती हूँ वो खत्म हो गया था, तो मैंने सरसों के तेल से ऑयलिंग की। ऑयलिंग करने के बाद मुझे लगा कि एलोवेरा घर पे मैंने तोड़ के रखा हुआ है, तो क्यों ना इसकी स्ट्रिप लेती हूँ और बालों में लगा लेती हूँ, जिससे कि बालों में शाइन अच्छी आ जाएगी। अब ये तो हमें अच्छे से पता है क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ कि एलोवेरा लगाने से बालों में अच्छी शाइन आ जाती है, बालों का झड़ना बंद हो जाता है, बाल स्मूथ दिखाई देते हैं। इस ऑयलिंग के बाद इसका क्या असर हुआ कि मैंने इसको रात भर लगा के छोड़ दिया। इसको मैं थोड़ा सा पानी में घोल के डालती हूँ, डायरेक्ट शैम्पू लगाने से बाल झड़ने लगते हैं। तो बाल देखा कि कुछ स्ट्रेट से दिख रहे थे, मैंने सोचा शैम्पू करने के बाद बाल स्ट्रेट से दिखते हैं। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि बाल इस तरीके से स्ट्रेट हो सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने दोबारा किया। सबसे पहले सरसों का तेल लिया, उसमें मैंने एलोवेरा की लीफ से सारा पल्प निकाल के उसमें अच्छे से ग्राइंड कर लिया। मिक्स कर रही थी तो मिक्स करना मुझे प्रॉपर हो नहीं रहा था, तो मैंने इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया। जब अच्छे से मिक्स किया फिर मैंने बालों में लगा के छोड़ दिया। ये प्रोसेस मैंने सिर्फ 2 बार किया, एक बार इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। पहली बार ऑयलिंग के बाद मैंने एलोवेरा को लगाया और दूसरी बार में मैंने एलोवेरा ऑयलिंग के साथ कर लिया। और बालों का रिजल्ट 3 दिन पहले के धुले हुए बाल है और ये इतने स्ट्रेट दिख रहे हैं। और मैं चोटी डेली रात को बना रही हूँ लेकिन ये बाल परमानेंट स्ट्रेट दिख रहे हैं। अगर आपने 1-2 फ्रीज इसमें दिख भी रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि मैं चोटी बना लेती हूँ जिसकी वजह से ये। लेकिन अगर आप केमिकल वाला स्ट्रेटनिंग कराना चाहते हो तो एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखना। अगर आपको मेरा सरल सा सिंपल सा वीडियो जो कि बहुत ही इजी था पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दो और इस मेथड को ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि सर्दियों में सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल बहुत यूजफुल होता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि हमारे बालों में गर्मी भी देता है और स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। और कई बार तो जिन लोगों के ज्यादा डैंड्रफ होता है डैंड्रफ को भी खत्म कर देता है। और ये मेथड आपके लिए कितना यूजफुल रहा इसका कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।